वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी के साथ बात करने वाले हैं एडमिशन के बारे में, UHSR एडमिशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स हरियाणा में BSc नर्सिंग पैरामेडिकल एडमिशन 2021-2022 के बारे में बात करने वाले, क्या है न्यू गाइडलाइंस जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, सब कुछ हम यहाँ पर बात करने वाले। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि PGI रोहतक की साइट से एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। UHSRcounseling.nonpaperform.com पर BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, UG प्रोग्राम्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक एडमिशन जो है टिल डेट है, अभी तक इसके लिए लास्ट डेट नहीं आई है। जैसे ही लास्ट डेट डिक्लेयर की जाएगी हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे, बट उससे पहले आप लोग अप्लाई कर ले, अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दे ताकि जब भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुँचती रहे। तो जान लेते हैं क्या यहाँ पर न्यू जानकारी निकल के आ रही। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा BFUHS में एडमिशन चल रहे हैं BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, एंड वहाँ पे भी अभी जो है फिर से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल कर जो है लास्ट डेट को 10 यहाँ पर नवंबर तक कर दिया गया है। इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाले गए हैं वो निकाले गए हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। एंड आप सभी को बता दूं कि इस बार जो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं, उसके साथ साथ INC की यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस आ चुकी हैं। INC मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, इन सभी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए, उन्होंने एक बिग अल्ट्रेशन कर दिया। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, अगर इस पर्टिकुलर परसेंटाइल से कम मार्क्स यहाँ पर आते हैं या इससे कम कट ऑफ जाएगी तो क्या तो दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम होगा या एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो BFUHS में जैसा हो रहा है वैसे ही सेम हमें PGI रोहतक में भी देखने के लिए मिल सकता है। हम हैं यहाँ पर PGI रोहतक की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर द एडमिशन टू द BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BPT एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-2022 विल बी मेड ऑन द CET। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उसके बेसिस पर BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BPT जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन होने वाले PGI रोहतक में। तो आप लोग ये देख सकते हैं ए मिनिमम एलिजिबल परसेंटाइल फॉर CET। ये आप लोगों को जो मैं मिनिमम परसेंटाइल बताऊंगी स्टूडेंट्स गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट की, एंड यहाँ पर जो ये परसेंटाइल यहाँ आप लोगों से ये 12th की नहीं है। मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देना चाहूंगी साफ आप लोगों को, ये गाइडलाइंस है एंट्रेंस एग्जाम जो आप लोग देंगे उनके जो मार्क्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग ये गाइडलाइंस है। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर गाइडलाइन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट करवाया जाए या 12th मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन ले सकती है, दैट इज डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ने रिलीज की है, एंड मिनिमम परसेंटाइल निकाल दिया गया है इस बार जो परसेंटाइल है UG एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फॉर द नीट UG एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय CET 2021। ठीक है, तो नीट UG के यहाँ पर गाइडलाइंस थी वही अभी BSc नर्सिंग की गाइडलाइंस बन गई, आप सभी को पता होगा, तो वही गाइडलाइन CET ने फॉलो की है। PGI रोहतक 2021-2022 एंट्रेंस एग्जाम ने फॉलो की है, तो मैं आप सभी को वो गाइडलाइंस दिखाऊंगी एंड मिनिमम परसेंटाइल जो आप लोगों को जो है यहां पर एंट्रेंस एग्जाम में लेके आनी होंगी। अगर आप लोग उतना नहीं लेके आते हैं देन दैट इज नॉट ओके। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि मिनिमम मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स कितने यहाँ पर आप लोगों को चाहिएंगे वो मैं बता दूँ कि जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप लोग EWS कैटेगरी से हैं तो आप लोगों को चाहिएंगे कम से कम 50%। अगर इससे कम आएंगे तो यहाँ पर नहीं चलने वाला, अगर कट ऑफ इससे कम जाएगी तो यहाँ पर जो रहेगी वो कट ऑफ कट ऑफ जा ही नहीं सकती। मतलब 50% से नीचे जो है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर जाएगी तो यहाँ पर जो है वो फिजिबल नहीं होगी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। मतलब जो जनरल रहेगा एंड EWS रहेगा उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड यहाँ पर PWBD जो कैटेगरी है ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी एंड जनरल EWS उसके लिए जो परसेंटाइल यहाँ पर रखी गई है स्टूडेंट्स वो आप सभी को मैं बता दूँ वो 45% रखी गई है। एंड यहाँ पर जो रहेगा SC और ST के लिए 40% यहाँ पर रखी गई है। सेम हमें देखने के लिए मिला है BFUHS एंट्रेंस एग्जाम में।
इन गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है। बीए फ्यूचर्स ने पीपीएमईटी एंट्रेंस एग्जाम का नाम है वहां पे, तो पीपीएमईटी फर्स्ट को कंडक्ट करवाया एंड वहां पर जो रहा वो जो कट ऑफ थी वो 50% से जो मार्क्स थे उनसे यहाँ पर ऊपर रखना चाह यूनिवर्सिटी ने एंड स्टूडेंट्स के ऊपर मार्क्स आए नहीं थे। ऑलमोस्ट जो है 350 कैंडिडेट्स थे जिनके 50% से ज्यादा मार्क्स आए थे, तो दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया। फिर भी हमें यही देखने के लिए मिला कि परसेंटाइल जो जितने भी एक्वायर करने चाहिए थे कैंडिडेट्स को उतने कैंडिडेट्स को नहीं यहाँ पर जो है एक्वायर किए गए, या फिर मैं बोलूँ कि कैंडिडेट्स ने उतने मार्क्स एक्वायर नहीं किए जो कि इन गाइडलाइंस को गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फिट करता हो। देन अप्लीकेशन फॉर्म को निकाला गया है अभी फिर से एंड वो है यहाँ पर 12th के मार्क्स के बेसिस पर, मतलब पंजाब में इस बार जो रहेगा वो यहाँ पर 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी होने वाला है एडमिशन एंड फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम सेकंड एंट्रेंस एग्जाम सब कुछ को मिलाकर एडमिशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ये यहाँ पर पीछे रोहतक में भी लागू किया जा सकता है अगर 50% से यहाँ पर कम मार्क्स होते हैं तो। बट यहाँ पर गवर्नमेंट जो है इनकी गाइडलाइंस तो हैं, बट पीछे रोहतक को यहाँ पर जो कट ऑफ रहती है वो 50% से नीचे नहीं जाती है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी का स्टूडेंट्स इतने यहाँ पर, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी इंटेलिजेंट ज्यादा है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो रहेंगी वो पंजाब के कंपैरिजन में हरियाणा में बहुत कम है, इस वजह से जो कट ऑफ रहती है वो हमेशा हमें हाई देखने के लिए मिल जाती है। 50% से तो हमेशा हाई हमें कट ऑफ देखने के लिए मिल जाती है जनरल कैटेगरी की। तो हमें यहाँ पर जो है ये नहीं सोचना चाहिए बिल्कुल भी कि डायरेक्ट आप लोगों को एडमिशन मिलेगा, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वो यहाँ पर एक लास्ट सिचुएशन है, लास्ट सर्कमस्टांसिस है, मे बी हैपन, बट यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर जितनी पंजाब में गवर्नमेंट के लिए सीट है उनमें बहुत ही कम परसेंटेज हरियाणा में गवर्नमेंट में बीएससी नर्सिंग के लिए सीट है, तो हरियाणा में इस वजह से जो है आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन कम देखने के लिए मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली एंट्रेंस एग्जाम ही होगा। ठीक है, लास्ट ईयर मैं आप लोगों को बता दूं 2020 में दो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किए गए थे पीजे रोहतक की साइड से। मे बी दिस हैपन्स कि अगर ये एलिजिबिलिटी जो है फुलफिल नहीं होती है तो इस बार भी दो यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है कंडक्ट किए जा सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दो सेकेंड एंट्रेंस एग्जाम था वो जो कैंडिडेट जो बच गए थे उनकी वजह से किया गया था, बट ये जो न्यू गाइडलाइंस है अगर ये फुलफिल नहीं होती है तो 12 एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी के साथ शेयर करनी थी एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अभी तक पीजे रोहतक की साइड से यहां पर 12th मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन की गाइडलाइन नहीं जारी की गई है जैसे कि पंजाब ने जारी कर दी है। जो यहां पर जो आईएनसी है उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर पीजे रोहतक ऐसे कोई नोटिफिकेशन रिलीज करता है इन फ्यूचर तो मैं आप सभी को जरूर नोटिफाई करूंगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेझिझक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई डाउट्स हैं तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, दीक्षा फोगाट से सर्च कर लेना वरना डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन यहाँ से कर सकते हैं एंड वहाँ पर जो फ्री पेपर्स है वो यहाँ पर ले सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर डिमांड की थी जो पेपर्स हैं वो पीजे रोहतक के लिए, तो मैं वहाँ पर अपलोड अभी करती रहूँगी रेगुलरली पेपर्स, तो वहाँ पर आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।